नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, वैकेंसीज एक बार फिर से यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पर आ चुका है। देख सकते हैं इसमें चार अलग अलग तरह की पोस्ट यहाँ पे शामिल कर ली गई। अगर आप सभी लोग सिंपल 10th क्लास भी पास हैं, 10वीं कक्षा आप लोग पास हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल, महिला और पुरुष दोनों इन वैकेंसीज़ के लिए आप लोग अप्लाई करें। इसमें नर्सिंग की वैकेंसी भी यहाँ पे आ चुकी हैं। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मात्र एक छोटा सा इंटरव्यू आप सभी का लिया जाएगा। इंटरव्यू के बेसिस पे जॉइनिंग आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे ये जान लें, इस बार जो वैकेंसीज यहाँ पे जो रिलीज़ की गई, हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। और ये जो वैकेंसी है, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के सरकार के तहत यहाँ पे संविदा के आधार पे भर्ती यहाँ पे विज्ञापन जारी कर दिया गया। अभी हाल ही में ये जानकारी ऑफिशियली आपको वेबसाइट पे दे दी गई। डायरेक्टली मैं आपको वैकेंसी टेबल की ओर ले चलता हूँ, तो बिल्कुल देख सकते हैं चार अलग अलग तरह की पोस्ट है। शुरुआत में भी मैंने आपको बताया क्लास 4 की वैकेंसी आ चुकी है। कुल मिला के इसमें चार पद हैं। सिर्फ आप लोग 10वीं कक्षा पास हैं अप्लाई कर दें। 10,000 रुपये आपको इस पोस्ट के लिए सैलरी मिलेगी। 12 अप्रैल को आपका इंटरव्यू रहने वाला है। मल्टीपर्पज़ वर्कर की यहाँ पर वैकेंसी है। मेल कैंडिडेट के लिए इसमें चार पद हैं। 12th क्लास अगर आप लोग पास हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में, बिल्कुल अप्लाई करें। 1 साल का डिप्लोमा आप लोगों से इसी फील्ड में मांगा जा रहा है। और काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। 14,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 12 अप्रैल जो है आपकी इंटरव्यू की डेट यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगली जो वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, इसमें भी चार पद हैं। 12th क्लास अगर आप लोग पास हैं 1 साल के कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ, बिल्कुल अप्लाई करें। 12,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 13 अप्रैल को इंटरव्यू रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली जो वैकेंसी है ये स्टाफ नर्स के लिए। स्टाफ नर्स के चार पद इसमें शामिल कर लिए गए। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और इसी के नीचे देख सकते हैं जीएनएम। तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाले सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर दें। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आप लोग रजिस्टर्ड भी हों। और 16,500 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 19 अप्रैल 2022 को आपका इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरव्यू में आपको किस तरीके से शामिल होना है। तो इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आपको नीचे एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको ये प्रोवाइड करा दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म ये आप लोग फिल करें और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे ऊपर की तरह बोला जा रहा है, ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, ये आपको तैयार रखने हैं। और डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में शामिल हो जाना है। जो भी आपकी इंटरव्यू की डेट टेबल में आपको दे दी गई, इसमें आपको फ़ीस का पेमेंट भी आपको करना होगा। तो डिमांड ड्राफ्ट आप सभी लोग बनवा लें। और किसके नाम पर ये डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, तो ये जानकारी आपको इसमें यहाँ पर मिल जाएगी। और डिमांड ड्राफ्ट कितनी राशि का बनवाना है, तो ये टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई। और डायरेक्टली आप लोगों को इंटरव्यू में शामिल हो जाना है। जो भी आपकी इंटरव्यू की डेट है, टाइमिंग्स ही आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर आपकी लिस्ट निकाली जाएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की, फिर जो है आपका बताया जाएगा कि आप लोग पात्र हैं यहाँ पे अपात्र हैं, या फिर अपात्र पाए गए तो जो है आपको समय दिया जाएगा कि आप लोग पात्र हो सकें और फिर अपना इंटरव्यू दे सकें। तो समय का याद रखें और जो भी डेट आपको दी गई, तो आप सभी लोग यहाँ पे डेट्स को भी फॉलो करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करें इस वीडियो को, इस मेहनत को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी इन्फॉर्मेशन अब आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। स्वास्थ्य विभाग की हर वैकेंसी की जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।